नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर पंजाब हरियाणा सीमा को सील कर दिया गया है। वाहनों की जांच हो रही है। चौटाला के साथ राजस्थान बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दो एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस व एसटीएफ का जवान तैनात किया गया है। तो जहां पर आपको बता रहे हैं, खोदी खाई व लगा दिए गए हैं बैरिकेड्स और सीमेंट्स के पाइप लगाए गए हैं। समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने समेत अनेक मांगों को लेकर पूरा करने को लेकर निकले किसानों के दिल्ली कूच को लेकर किसान आंदोलन के मद्देनजर सीमावर्ती पंजाब हरियाणा की सीमा को सील कर दिया गया है। हरियाणा सीमा रतनपुरा मार्ग पर यह एडिशनल एसपी और नरेंद्र पूनिया व थाना प्रभारी के नेतृत्व में दंगा नियंत्रण वाहन व्रज वाहनों के साथ एसटीएफ व पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया। लोहे की गति अवरोधक सीमेंट के बड़े पाइप व अवरोधक सड़क के दोनों ओर लगाकर जिक जैक तरीके से मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। वहीं पर पंजाब डवाली बॉर्डर पर भी प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने नाकों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दे दिए हैं। और बड़ी खबर आपको डवाली पंजाब बॉर्डर से बता रहे हैं, जहां पर प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने संयुक्त किसान मोर्चा व किसान मजदूर मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के दृष्टिगत जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों का निरीक्षण किया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते जिला में शांति कानून व्यवस्था कायम है। किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से पुख्ता तैयारी करे हुए हैं। तस्वीर आपको राजस्थान बॉर्डर की हरियाणा के साथ चौटाला से रतनपुरा मार्ग की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। वो राजस्थान में भी राजस्थान पुलिस की तरफ से की गई है। और सबसे बड़ा सवाल है, राजस्थान का किसान भी हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच ना कर सके। जहां पर राजस्थान में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कई लेयर में जो राजस्थान पुलिस की जो टुकड़ियां अलग अलग नजर आ रही है, वज्र वाहनों को यहां पर रोका गया, वज्र वाहनों को, और हर तरीके से दंगों से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। और अब बड़े वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान संगरिया में आवाजाही पर रोक लगाई गई है, लेकिन इमरजेंसी को हर सूरत में जारी रखा जाएगा। और जहाँ पर जो प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने आज सिरसा डवाली का उन्होंने मुआयना किया है, शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और वहीं पर उन्होंने बताया है कि 40 से अधिक सिरसा में छोटे से बड़े नाके लगाए गए। इसके अलावा बाहर से भी 11 कंपनियां बुलाई गई हैं और उसी के अनुसार तैनात कर दिया गया है। साथ ही हरियाणा पुलिस की अतिरिक्त कंपनी भी जिला में आई हुई है। साथ ही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक नाके पर डीएसपी लेवल के अधिकारी को लगाया गया है। वहीं पर डीसी सिरसा ने जानकारी दी है कि जिला में धारा 144 लागू है। कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी सभी मुख्य स्थानों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम करें। इसके अलावा 2 अस्थायी जेल भी बनाई गई है। 1 या 2 दिन जरूरी ना हो तो यात्रा न करें, लोगों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा अन्य बिजली, जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य, अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। प्रशासन का हर संभव यह प्रयास रहेगा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बनी रहे। आमजन को आने जाने में किसी प्रकार की सुविधा का जो असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और उपायुक्त ने आमजन से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भी अपील की है। तो वहीं पर आपको बता दें कि डवाली तथा पन्नीवाला मोटा की तरफ से आने वाले वाहनों को भी डाइवर्ट किया गया है, जहां पर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी से अपने गंतव्य में पहुंचने में देरी ना हो। डवाली पन्नीवाला मोटा की ओर से आने वाले वाहनों को पन्नीवाला मोटा से भागसर, खारिया, रानिया, ऊटू से मलिका, माधोसिगाना, मोडिया, खेड़ा से उकनासरी, चोपटा की ओर निकाला जाएगा। इसी प्रकार से पन्नीवाला मोटा डवाली की ओर से आने वाले वाहनों को जाने के लिए पंजवाना से शेखुपुरिया, जोधपुरिया, धोतड़, ओटू, मोजदिन, मलिका व माधोसिगाना से होते चोपटा की ओर निकाला जाएगा। व्यवसायिक और भारी वाहनों को प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। और इसी के साथ पंजाब चंडीगढ़ जाने वाले व्यवसायिक वाहनों के मार्गों को भी बंद किया गया, इसलिए वे किसी अन्य मार्गों का प्रयोग करें। पुलिस द्वारा व्यवसायिक वाहनों के मालकों व चालकों से अपील कर कहा गया है कि होटल ढाबों पर वाहन खड़ा ना करें। वाहन चालकों को सूचित करें कि जिला सिरसा में व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित है।